हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले अपना नया प्रोग्राम, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमें 3 नंबर्स दिए होंगे उनकी लास्ट डिजिट सेम है या फिर नहीं है, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर हमें दिए होंगे, उनकी लास्ट डिजिट हमें देखनी है। अगर वो सेम आती है तो आउटपुट देना हाँ ये तीनों डिजिट सेम है, अदरवाइज आउटपुट आपको देना है कि तीनों डिजिट सेम नहीं है, तीनों नंबर्स की लास्ट डिजिट सेम नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो हमने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है चेक लास्ट डिजिट डॉट एचटीएमएल के नाम से, उसमें अपना कोड लिखा हुआ है। तो वो बेसिक्स अपना एचटीएमएल कोड लिखा, उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, हमने कमेंट डाल दिया। अब उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो ए में ले लिया फर्स्ट नंबर, बी में सेकेंड नंबर और सी में थर्ड नंबर। ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइप का ले लिया, आप लेट भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों की जो है लास्ट डिजिट निकालनी पड़ेगी, मतलब तीनों नंबर्स की। तो इजीली आप निकाल सकते हो, कैसे, आप सिंपली उस नंबर को मॉड 10 कराएंगे तो हमारा क्या होगा, लास्ट डिजिट आ जाएगी। कैसे, सपोज करिए मैं एंटर करता हूँ 101 और इसको मैं मॉड कराता हूँ 10 से। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। ठीक है, इसका मॉड अगर आप 10 से कराएंगे उसका आउटपुट आएगा 1। तो बेसिकली इसकी लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगी अगर आप 10 से मॉड कराते हैं। सिंपली अगर 100 होता है उसका मॉड कराते आप 10 से, तो इसका जो रिमाइंडर आता वो कितना आता, 0। तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब इसकी लास्ट डिजिट है वो 0 है। ठीक, 102 से कराओगे मॉड 10 तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 2। समझ गए। तो इसी तरीके से हमने तीनों की लास्ट डिजिट निकाल ली, ए की, बी की और सी की भी। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमको इफ कंडीशन लगानी और चेक करना है। कैसे, हम लिखेंगे, देखिए सपोज करिए हमने 3 नंबर ले लिए एग्जाम्पल में, 101, 101 और 101। अभी ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमने तीनों सेम ले लिए हैं, अभी एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें तीनों डिफरेंट होंगे। ठीक, तो हमें कंपेयर क्या करना है, हमने रिजल्ट 1 में स्टोर हो गया हमारे फर्स्ट जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट अगर वो इसके इक्वल हो जाती है सेकेंड वाले के। ठीक, सेम वे अगर फर्स्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल है तो हम बोल देंगे कि तीनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि ये और ये आपस में इक्वल हैं। जब ये और ये आपस में इक्वल हो गए और ये आपस में इक्वल हो गए तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, अदरवाइज हमें प्रिंट कर देना है नंबर हैव डिफरेंट लास्ट डिजिट्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मैं लेता हूँ 101, 101 और 103। अब मैंने बोला कि रिजल्ट 1 इक्वल इक्वल रिजल्ट 2, ये वाली बात सही है, लेकिन रिजल्ट 1 इज नॉट इक्वल टू रिजल्ट 3। ठीक है, पर ये बोल रहा है एंड एंड, तो वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये हो गई फॉल्स और ये हो गई ट्रू। तो ये हो गया फॉल्स ओवरऑल, क्योंकि एंड लग रहा है यहाँ पे, तो एल्स वाला प्रिंट कर देगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 के इक्वल है एंड रिजल्ट 1 रिजल्ट 3 के भी इक्वल है तो तभी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो हमने चेक कर लिया कि इन तीनों नंबर्स की लास्ट डिजिट सेम है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम, आई होप को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया प्रॉपरली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस प्लेलिस्ट को प्लीज एक्सेस कर लीजिएगा, इसमें हमने बिगिनर टू एडवांस लेवल के प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपकी। चलिए गाइज, बाय बाय।